रेक्टेंगल में रेक्टेंगल ये शेप होती है एरिया स्क्वायर में, और इसका फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। डब्ल्यू इज़ वेट, एच इज़ फोर हाइट। उसके बाद आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में उसका फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई टू, एंड बी इज़ फॉर बेस, एच इज़ फॉर हाइट। उसके बाद आता है रैम्बोस। रैम्बोस क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल्स टू टू, डी इज़ फॉर लार्ज डायगनल, डी इज़ फॉर स्मॉल, डी इज़ फॉर स्मॉल डायगनल। उसके बाद आता है ट्रेपोजाइट। ट्रेपोजाइट में क्या होता है, फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई एच, बी इज़ फॉर लार्ज साइड, बी इज़ फॉर स्मॉल साइड, एंड स्मॉल एच इज़ फॉर हाइट। फिर रेगुलर पेलपॉन, ठीक है, पॉलीजन। रेगुलर पॉलीजन का फार्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई टू इंटू ए, पी इज़ फॉर पैरामीटर, ए फॉर एपिथॉन। एपिथॉन सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल, सर्कल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू ए पार आर स्क्वायर, आर इज़ फॉर रेडियस, पी इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू आर, पी इज पैरामीटर। व्हाट इज कॉन, कॉन का फार्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू ए आर डॉट मल्टीप्लाई बाई एस, आर इज़ फॉर रेडियस एंड एस इज फॉर स्लॉन्ट हाइट। ठीक है, ये कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, जब अगर आप इनको थ्योरेटिकली याद कर लें तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म को सॉल्व करना और फिल करना आपके लिए आसानी हो जाएगी।